वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानी बाबा 49। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजय। हमारी पिछली सीरीज स्ट्रेस के बारे में थी, होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी होती क्या है? एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट। जब भी आप किसी भी सिचुएशन के बारे में चिंता करने लग जाते हो, उस टाइम आपके अंदर डर पैदा हो जाता है, उसी को एंजाइटी कहते हैं। मान लो आपने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मैं शाम को 8 बजे घर पर आऊँगा, लेकिन 8 बजने के बाद भी आप घर पर नहीं आते। आपकी मम्मी चिंता करने ले जाती है, आपकी मम्मी डर जाती है कि अभी तक आप लौटे क्यों नहीं हो। फिर आपकी मम्मी कॉल करने ले जाती है, आपका फ़ोन इत्तेफाक से स्विच ऑफ हो जाता है। उस टाइम आपकी मम्मी और ज़्यादा घबरा जाती है। फिर आपके पापा कॉल करते हैं, स्विच ऑफ आता है फ़ोन आपका। आपका भाई करता है, फिर भी स्विच ऑफ आता है। आपकी बहन करती है, फिर भी स्विच ऑफ आता है। क्या होता है कि सारे घर का माहौल घबराहट से भर जाता है, सब घबरा जाते हैं। उस टाइम आपकी एंट्री होती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और आपको कोई चार्ज करने का साधन नहीं मिला, लेकिन आपके पेरेंट्स के मन में जो घबराहट पैदा हुई उसे ही एंजाइटी कहते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपका एग्ज़ाम 3 महीने बाद ही है, आपको एकदम से पता चलता है। आप क्या करते हो कि ये सोचने लग जाते हो कि यार मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्या एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं। अगर ये एंजाइटी आपको कुछ छोटे समय के लिए है तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो अपने इस छोटे से एंजाइटी या चिंता करने के कारण। लेकिन जब ये चिंता आपकी बहुत अधिक समय तक बढ़ जाती है, उस टाइम एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है, उसे कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डीपली नॉलेज देने वाला हूँ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।